हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है मैथ एक्टिविटीज पर, और जो टॉपिक है वो है असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर का। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो असेंडिंग का मींस वही कि हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे और हमें अप जाना है, और डिसेंडिंग का मींस यही है कि हमें सबसे पहले बिगर नंबर, देन उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, और ऐसे हमें स्मॉलर नंबर की तरफ आते जाना है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को ये टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, बिकॉज असेंडिंग डिसेंडिंग एक डेफिनेशन हो गई, अपने बच्चे को बता दी, वो टीचर भी बता देगा, बट बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, उसके माइंड में कैसे सेट करें ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो कि ए फॉर असेंडिंग ही होता है और असेंडिंग का मीन्स हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप अप जाना है या हमें डाउन आना है। सो इम्पोर्टेंट ये है। सो मैं स्टार्टिंग से हर टॉपिक को स्टार्टिंग से बेसिक से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि अपनी बच्ची को मैं ऐसे ही कराती हूँ, बिकॉज ही जस्ट 2 ईयर्स ओल्ड, सो उसको मैं कोई भी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकती हूँ। सो आप अगर फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपको कैसे कराना है, कैसे खेल खेल में, ईजी वे में आप अपने बच्चे को करा सकते हैं, वही आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आई विल शेयर सम टिप्स कि आप कैसे इजी वे में अपने बच्चे के लिए ये कर सकते हैं और आपके लिए कैसे ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सो ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट। सो फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो रियल थिंग्स, रियल ऑब्जेक्ट और जो नॉन थिंग्स हों आपके बच्चे के लिए, उन चीज़ों के साथ टॉपिक को रिलेट कीजिए। फर्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है। सो आई हैव 2 डॉटर्स, एक का नेम है एमी, दूसरी का नेम है दीवा। इज ए इज फॉर असेंडिंग, डी इज फॉर डिसेंडिंग, सेट। एक और अच्छी चीज है, एमी है बिग, मीन्स माई एल्डर डॉटर, दीवी है माई लिटिल डॉटर। सो ए इज फॉर असेंडिंग में हमें जाना होता है बिग नंबर पे, राइट। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है, जैसे 3, 1, 2, 5, सो हमें बिग नंबर पे जाना है, मीन्स हमें 5 पे जाना है। स्टार्ट करते हैं यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, स्टेप बाय स्टेप बिग नंबर पे जाएंगे। बिग डॉटर बिग नंबर, असेंडिंग एमी, ओके, दीवी डिसेंडिंग, और डाउन आना है, डी फॉर डाउन ऑल्सो, ठीक है। तो हमें फिर डाउन कैसे आना है, अभी हम यहाँ टॉप पे हैं तभी तो ऐसे 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 डाउन आएंगे, तो ऐसे ही फिर हमें 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से। सो उस केस में क्या होता है कि बच्चे के लिए वो टॉपिक एक इंटरेस्टिंग और एक गेम की तरह बन जाता है, फिर बच्चा रिलेट करता है। मेरी डॉटर को बहुत अच्छा लगता है अगर मैं चीजों को रिलेट करती हूँ कि दिस इज फॉर एमी, दिस इज फॉर दीवी, दिस इज फॉर मम्मा, लाइक इस तरह से मैं दोनों सिस्टर्स को लेके कोई टॉपिक कराती हूँ। मैं हर टॉपिक में ट्राई करती हूँ कि किसी ना किसी तरह से उन चीजों को मैं रियल चीजों से रिलेट करूँ। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए, आपका बच्चा जरूर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि उसके बाद आप रिलेट कर दिया बच्चे को रियल चीज़ों के साथ, फिर आप उसे कैसे कराएंगे, ठीक है। सो एक स्टेयर्स वाला जो केस होता है सबसे सिंपल और बेसिक माना जाता है, ओके। सो इसको भी आपको किस तरीके से कराना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले आप कंटिन्यूस नंबर ले लीजिए ताकि बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने इस तरह से नंबर दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि असेंडिंग में इनको लिखना है, तो मीन्स हमें अप 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 जाते जाना है, और बच्चा ये नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 ईजिली यहाँ पे राइट कर देगा। फिर डिसेंडिंग भी डाउन आना है, तो कहाँ हैं हम, यहाँ हैं, डाउन आओ, और इस तरह से आपका बच्चा ईजली हैप्पी जंप करता हुआ डाउन आ जाएगा। और ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा भी, आप उसे थोड़ा और रिलेट कर दीजिए कि ये है पार्क, बच्चे को यहाँ जाना है पार्क में खेलने के लिए। एक्चुअली हमारा जो पार्क है वो है 1st फ्लोर पे। सो ये स्विंग है और एमी दीवी को यहाँ जाना है स्विंग करने, स्लाइड करने,
ठीक है, एमी को जाना है अभी, एमी हैप्पी 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 वो चली गई है। अब बच्चा पार्क में से तो आएगा नहीं, असेंडिंग तो हो गया, डिसेंडिंग नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें क्या करना है, कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि चलिए अभी आपको कोई चॉकलेट देते हैं, या आपको कुछ जो भी आपके बच्चे की फेवरेट चीज है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं नॉर्मली अपनी ही डॉटर का एग्जांपल लेके फिर करती हूँ। तो फिर क्या करते हैं, अब बच्चे को ईजली ईजली अगर आप उसके पसंद की चीजें उसे देंगे तो बच्चा जंप करता हुआ ईजली नीचे आ जाएगा, तो वो उसके लिए डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आप इसके साथ कर सकते हैं कि असेंडिंग में फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, राइट, और डिसेंडिंग में बैकवर्ड काउंटिंग होती है। चाहे वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं है, डजंट मैटर, बट फिर भी वो है तो बैकवर्ड काउंटिंग ही, राइट। लाइक फाइव के बाद अगर फोर नंबर नहीं है, थ्री नंबर है, तो भी हम बैक में ही आ रहे हैं, और अगर थ्री के बाद डायरेक्ट सिक्स नंबर है तो हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने बच्चे को सिखाना है आपको। ओके, सो उसके साथ ऐसे कर सकते हैं, जैसे एमी, एमी बिग है तो भी एमी को क्या करना पड़ेगा, एमी को तो चीजों को लीड करना पड़ेगा, एमी को तो फॉरवर्ड होना पड़ेगा, तभी तो फिर दीवी उसे पीछे पीछे फॉलो करेगी, राइट। सो एमी फॉरवर्ड जाएगी, राइट, मींस वो फॉरवर्ड, फिर वो पीछे पीछे उसको फॉलो करेगी, इस तरह से। ये एक सिंपल एग्जांपल है जो मैंने अपनी बेटी को दिया। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए। नेक्स्ट, वहां मैंने फर्स्ट 1 2 3 कंटिन्यूअस ऑर्डर में राइट किए थे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 9 3 1 5 8 और यहाँ पे उससे पहले जैसे ये कर लेते हैं 2 5 7 3 बेसिक। तो आपको क्या करना है, अगर ये सिर्फ सिंगल डिजिट का नंबर है, आप यहाँ पे डबल कुछ भी डिजिट हो उसके लिए भी मैं बताऊंगी, अगर 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो भी आप अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने वहीं से फिर से भी ये स्टेयर्स बना लिए हैं यहाँ पे, राइट, और क्या करना है, आपको ये नंबर्स यहाँ पे राइट कर देने हैं, इससे आपके बच्चे की बहुत हेल्प हो जाएगी, फिर आपके बच्चे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये टॉपिक करने के लिए। सो फिर क्या करना है, चलो भी असेंडिंग करो, यहाँ आना है आपको, आप एमओ को आप आना है, आप कैसे आएगी एमओ, आप चलो भी स्टार्ट हो जाओ, पहले 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, फिर 5 पे, फिर 7 पे, राइट। अब क्या है, अभी टॉप पे चले गए, अब हमें डाउन आना है, तो कैसे आएंगे, भी ऐसे बैकवर्ड फ्लिप करते जाओ, ऐसे बैक जंप करते जाओ, और हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को अब इन्हें देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे को अब सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट थिंग कि आपके बच्चे को वो इजी लगना चाहिए, तो ही आपका बच्चा इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जब आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप 1 2 दिन ये करा देते हैं, फिर आप इस तरह से नॉर्मली राइट करके दे सकते हैं, और आपका बच्चे को आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, फिर उसे काउंटिंग आनी चाहिए कि 19 है या 11 है, क्या फर्क पड़ता है, ये 19 है, ये 28 है, 55 है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। कोई भी नंबर दे क्या करा सकते हैं असेंडिंग में, और इसमें भी अगर कुछ ज़्यादा नंबर बड़ा हो रहा है आपके बच्चे को, अगर लग रहा है कि भाई नहीं स्टार्टिंग में मुझे फिर से इसी तरह से कराना है, यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर है, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये लीजिए, मान लो हमने 1 30 3 डिजिट्स का भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। स्टेयर्स बनाते हैं, सबसे लिटल स्मॉल है 1, फिर है 19, फिर है 28, एंड 28 के बाद है हमारा 55, एंड 58 के बाद है हमारा 130। सिंपल, आप इस तरह से राइट करके दे दीजिए बच्चे को। अब बच्चे का असेंडिंग लिखना है, तो असेंडिंग में बच्चा इजली कर देगा, 1 19 20, उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 19, फिर क्या है 28 है, फिर क्या है 55 है, फिर क्या है 130 है, कितना इजी है। ऐसे ही चलो भाई बैक जंप करो, 130
55 पे आ गए, 55 के बाद हम 28 पे आ गए, 28 के बाद हम 19 पे आ गए और हम 1 पे आ गए। है ना इंटरेस्टिंग। सो इसी तरह से आप भी अपने बच्चे को कराइए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर पाती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी कमेंट एनी सजेशन, और आपने अगर अपने बच्चों को टॉपिक कराया है तो किस तरीके से कराया है वो सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।